लेकिन वो आपके वीडियो से हुआ था कहते हुए मैंने शुरू किया था वो मैंने स्टार्ट करा था, कैरी ने लास्ट वीडियो बनाई। हे गाइस, सो गाइस आपको पता होगा एलविश यादव के फैंस और कैरी मिनट के फैंस के बीच में झगड़ा वगैरह होता रहता है, कंट्रोवर्सी होती रहती है, क्योंकि आपको पता होगा टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था तब, मतलब कि आखिर किसने मतलब कि टिकटॉक को बैन कराया। तो इसके ऊपर मतलब भारती जी के चैनल पर एक इंटरव्यू आउट हुआ और वहाँ पे एलविश यादव क्या बोले, लेट्स सी। घंटे पहले फैजू आके गया और हम वही बात करें, मैं कहा टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में आप लोग को तो बहुत गालियां पड़ी थी फैजू, लेकिन फिर भी आज अभी तुमने वो सारी चीजें छोड़ के मुकाम हासिल किया जो भी मेहनत की तुमने, लेकिन वो आपके वीडियो से हुआ था कहते हुए मैंने शुरू किया था। वो मैंने स्टार्ट करा था, कैरी ने लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसके चक्कर में, आमिर सिद्दीकी की पहली वीडियो थी वो, मेरा रिप्लाई था, उसने मुझे रिप्लाई करा था वो। तो टिकटॉक बंद कराने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, थैंक यू यार, मतलब थोड़ा बहुत है स्टार्टिंग में। थैंक यू, बहुत 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 अच्छा किया। वैसे आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा आखिर में किसने स्टार्ट किया था टिकटॉक वर्सेस और यूट्यूब, और फाइनली मतलब कि लास्ट में कैरी मिनाटी ने उनके ऊपर मतलब वीडियो बनाया था जब वो बैन होने पर आया था। तो आपको पता चल गया होगा, और भी न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। बाकी यार आपका क्या कहना है, आप किसके फैंस हो, कैरी मिनाटी या फिर एलविश यादव, जिसके लिए भी हो उसके लिए कॉमेंट कर देना। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।